गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? यार अभी मैं अपने परिंदों को खोलने के लिए छत के ऊपर आया और मैंने देखा कि हमारे पर्दे के ऊपर एक कबूतर आया बैठा है। दो दिन पहले भी दोस्तों हमने एक कबूतर पकड़ा था और आज एक और कबूतर आया बैठा है। तो आज मैं हूँ भी अकेला दोस्तों, सितैन सो रहा है और मैं आपको कबूतर भी दिखा देता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों अकेले में कबूतर को पकड़ने की, क्योंकि फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं अकेला कबूतर को पकड़ूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों बैठा कहाँ हुआ है। वो देखें दोस्तों सामने, वो पर्दे के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा शायद, उधर बैठा हुआ है। और अब हमने इसको पकड़ना है और बहुत ही प्यारा है। इसके परों के अंदर यार कलर लगे हुए हैं और जब ये उड़ता है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब दोस्तों हम अपने सारे कबूतरों को बाहर छोड़ते हैं, क्या पता इनको देखकर कबूतर ये उतर आए। तो इसको दोस्तों हमने पकड़ना है और मुश्किल तो बहुत है क्योंकि मैं आज अकेला हूँ। सितैन सो रहा था नीचे। ओह शिट, उड़ गया। बहुत तेज है यार ये तो। वो वहाँ पर बैठ गया दोस्तों। तो यार ये हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जो पिछले कबूतर थे ना, हम उनके पास भी बैठे रहते थे तो वो नहीं उड़ पाते थे इतना। लेकिन ये बहुत तेज़ लग रहा है मुझे, तो हम वहीं वेट ही करते हैं नीचे जाके। नहीं तो यार क्या होगा कि उड़ के चला जाएगा। हम अपने कबूतरों को ज़रा उड़ा देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे कबूतर। वो देखें दोस्तों हमारे तीन कबूतर उड़ रहे हैं माशाल्लाह, और बल्कि चार उड़ रहे हैं। तो अब ये नीचे आ जाएंगे अपनी जगह पर। ऐसे आज पहली दफ़ा यार, चलो जी उड़ गए। अरे वाह यार, झुंड बना लिया इन्होंने तो, गुड हो गया यार ये तो। तो एक कबूतर दोस्तों उड़ते उड़ते हमारे यहाँ पर बैठ गया, तो उन्हें उड़ाना होगा। क्यों बैठ गया यार ये यहाँ पे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार, अल्लाह करेगा ये नीचे उतर आएगा पानी की प्यास की वजह से। तो दोस्तों कबूतर अभी तक नहीं आ रहा, उधर ही बैठा हुआ है। क्या पता यार कुछ टाइम के बाद आ जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर मिलते हैं। यार कबूतर दूसरी जगह फिर बैठ गया यहाँ पर। ये देखें दोस्तों जहाँ पर पहले बैठा हुआ था ना, वहाँ पर आ गया है। वाह, ये तो अब कोशिश करेगा नीचे उतरने की। हम इसको छेड़ते नहीं है, थोड़ा सा बाजरा वगैरह डालते हैं, क्या पता बाजरे को देख के ये नीचे आ जाए। तो यार फाइनली कबूतर नीचे उतर चुका है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा यार इसको नीचे लाने में। मैं अकेला था, मैं बार बार कह रहा हूँ, अकेले में यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किसी कबूतर को पकड़ना, और साथ में रिकॉर्डिंग करना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो यार बहुत खुश हूँ, जैसे कैसे कबूतर नीचे तो आया। और अब वो देखें पानी पी रहा है, वो पानी की तरफ जा रहा है दोस्तों। प्यास लगी होगी ना इसको, वो देखें दोस्तों पानी पिएगा अब ये। पता नहीं बेचारा कब से ऊपर बैठा हुआ है और अब ये नीचे आएगा, दाना वगैरह खाएगा। गुड 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 हो गया। इसी तरह से हमारा एक और कबूतर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बैठा है, ये देखें ये बैठा है, सेम टू सेम दोस्तों इसी की जैसा है। ये देखें तकरीबन ऐसे ही है। इसको देखें और इसको भी देखें, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो बहुत प्यारे हैं दोनों। तो यार मैं कोशिश करता हूँ इसको खुड्डे में लेके जाने की, इस डरबे में लेके जाने की। तो चलो यार सारे जाओ, खुड़ी 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 उड़ना जाए यार, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह करे यार चला जाए, अल्लाह करे। खुड़ी खुड़ी खुड़ी, वो जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, गया गया दोस्तों, खुद ब खुद चला गया माशाल्लाह। अरे वाह, जाओ 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 जाओ, यस यस, गुड हो गया यार ये तो। अरे वाह यार, ये तो बगैर किसी टेंशन के अंदर चला गया। तो ये देखें दोस्तों, ओ नहीं 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 नहीं, उड़ना नहीं उड़ना, कहाँ जा रहे हो? ये देखें, अच्छा माशाल्लाह। तो ये है दोस्तों कबूतर। आज मैंने दोस्तों पहली दफ़ा अकेले में कबूतर पकड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन यार इसने मुझे तंग नहीं किया। ये पर्दे पर जितना बैठा तो बैठा, लेकिन जो ही नीचे आया और ये फ़ौरन डरबे में चला गया, शायद ये थका हुआ होगा दोस्तों। ओहो यार बहुत मज़ा आ गया। मैं आपको दोस्तों इसके पर दिखाता हूँ,
ये देखें दोस्तों, इसके परों पर रंग भी लगा हुआ है और इस वाले पे भी लगा हुआ है। माशाल्लाह यहाँ पर पर्पल है और यहाँ पर येलो है दोस्तों, माशाल्लाह। और बहुत प्यारा है यार, और थोड़ा सा मुझे ये उम्र में छोटा लग रहा है, शायद अभी ये पट्ठा है इस वजह से ये आसानी से अंदर चला गया डर की वजह से। तो यार मैंने तो आज पकड़ लिया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चिपटे इनको, बल्कि मैं दिखाता हूँ जाके, वो सो रहा है, उसको सोते हुए मैं दिखाऊंगा। जो भाई जो हशर कर दिया यार, जाओ 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 चलो चलो चले। सिप्तैन सिप्तैन सिप्तैन, कबूतर पकड़ा है मैंने अकेले में पकड़ लिया, तुम भी नहीं आए मेरे साथ। देखो जी, अच्छा ऐसा है नहीं हमारा, ऐसा एक है मैंने बताया दोस्तों को भी। चलो सो जाओ, ओके अल्लाह हाफिज। चलो जाओ यार न्यू घर में, और यहाँ पर खुशी खुशी रहना तुम, ठीक है? तो मिलेंगे शाम को इंशाल्लाह। तो आप नीचे है, अब मैं ऊपर हूँ, उल्टा हिसाब हो गया। तो यार मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे, अब देख सकते हैं हमारे चूज़े बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं और इनको यहाँ पे धूप आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये ना तंग हो रहे हैं, तो इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि तुराब नीचे है उसको मैं तंग नहीं करता, वो बेचारा काम कर रहा था सुबह से नीचे तो पता नहीं चलता, ऊपर आओ तब पता चलता है भाई क्या हिसाब किताब है मौसम का। यहाँ पे मैंने कपड़ा डाल दिया है और मैंने ईंटें रख दी ऊपर, ताकि हवा जो आती है ना उससे उड़ ना जाए, बार बार हमें बनाना ना पड़े। तो अभी ये बिल्कुल फिट है, और देखिए नीचे भी अंधेरा हो गया है, और अब हमारे चूज़े जो है ना धूप से बचे रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको पानी भी रख दूंगा और इनको जो है ना नहला भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैंने अभी देखा कि हमारे बजीज ने अंडे दिए हुए हैं, लेकिन मटकियों में नहीं दिए हुए, नीचे पड़े हुए यार इनके अंडे। ये मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। ये देखें यहाँ पे एक पड़ा हुआ अंडा, ये देखें एक ये अंडा है वो टूटा भी हुआ है, इसका मतलब एक किसी काम का नहीं है। तो इसको मैं फेंक देता हूँ नीचे, चल भाई। तो यार मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, खुद अंडे दे के खुद ही इन्होंने नीचे गिरा दिए, या नीचे ही अंडे दे दिए, समझ से बाहर है। तो मैं काम करता हूँ मटकियों को ही मैं उल्टा कर देता हूँ, ताकि ये दोबारा अंडे ही ना दे सकें, इस तरह से ये अंदर ही नहीं जा पाएंगे तो अंडे कैसे देंगे, क्योंकि अंदर जाने की जगह ये है, तो इधर से कैसे जाएंगे। तो ठीक हो गया, बंद कर देते हैं, जब मौसम अच्छा होगा ना फिर इनकी ब्रीडिंग होगी, फिर अच्छा रहेगा। तो यार मैं नहलाता नहीं हूँ इनको, क्योंकि डायरेक्ट धूप में और गर्म मौसम में डायरेक्ट नहाना तो ये सही नहीं रहता इनके लिए, बुखार हो सकता है। तो यार कबूतर हमारे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और वो खाना नहीं खा पा रहे दोपहर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अंदर डाल लेता हूँ इनको, तो इस तरह से खाएंगे, देखिएगा। ये देखें ये सारे अपने अपने खानों में बैठे थे, लेकिन जो ही इन्होंने देखा बाजरा तो नीचे आ गए खाने के लिए। तो बस यार गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जितना देर खड़ा रहूँगा उतना ज़्यादा रोज़ा लगता जाएगा। तो दोपहर का टाइम है, तो मैं कहता हूँ नीचे चला जाऊँ मैं, और आज है आखिरी रोज़ा, कल ईद है इंशाल्लाह। तो आप मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा है, तो ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।